सो so, इस वीडियो में हम बात करते हैं सेवनटीन्थ फेब 2022 थाउजेंड आइल्स एग्जाम परडिक्शन सबसे पहले लिसनिंग देखिए लिसनिंग विल बी ईजी बट थोड़ी सी फास्ट हो सकती है वी कैन से बट इट विल बी ईजी देन बात करते हैं रीडिंग की रीडिंग ईजी से मॉडरेट रहेगा मीन्स एक पैसेज डिफिकल्ट आएगा एक सबसे ईजी होगा वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा फर्स्ट भी हो सकता है सेकेंड थर्ड कोई भी हो सकता है और एक पैसेज जो होगा वो डिफ़िकल्ट रहेगा जिसको हम ट्रिकी बोलते हैं देन अब बात करते हैं कि क्या क्या आ सकता है रीडिंग में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिस्ट ऑफ़ हेडिंग्स अपना जिसको भी लिस्ट ऑफ़ हेडिंग्स डिफिकल्ट लगती हैं प्रिपेयर होके जाना देन फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकता है एम सी क्यू यस नो नॉट गिवन मैच द इन्फॉर्मेशन मैच द इन्फॉर्मेशन हेडिंग के जैसा ही होता है बस इसमें क्या है हमने पैराग्राफ पढ़ना होता है फिर हैडिंग लगानी है लेकिन इसमें पहले हमने हेडिंग रीड करनी होती है फिर उसके बाद अपना ए बी सी डी जो भी पैराग्राफ में बात की गई है उसकी इन्फ जो भी पैराग्राफ में बात की गई है वो हमने ए बी सी डी पैराग्राफ लगाना होता है होता है ये बिल्कुल हैडिंग्स की तरह ही है अब बात करते हैं राइटिंग की राइटिंग टास्क वन जो आएगा वो टेबल बार मैप लाइन वैसे आपने सभी की प्रैक्टिस करनी है ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे आप परीक्षण पे डिपेंडेंट रह के और सिर्फ यही करके गए तो मे बी वहाँ कुछ नहीं पता क्या हो सकता है तो इसीलिए अपना सभी की प्रैक्टिस करके जाना और जो मेन है वो है टेबल बार मैप और लाइन ग्राफ देन टास्क टू पहले टाइप्स बताते हैं कौन कौन से आ सकते हैं बोथ व्यूज़ प्लस ओपिनियन एडवांटेज डिसएडवाटेज ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है आउटवे वाला भी आ सकता है देन अग्री और डी सगरी इसमें आपका टू वट एक्सटेंड यू अग्री और डी सगरी जहाँ अग्री डी सगरी अब बात करते हैं हम कौन कौन सा टॉपिक आ सकता है टूरिज़म हो सकता है एजुकेशन ट्रैफिक प्रॉब्लम्स मीन्स ट्रैफिक कंजेशन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट माइग्रेशन रीचर एंड पुअर गैप हो सकता है या फिर डिफरेंस हो सकता है देन चेंज कोई भी चाहे हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है कोई भी चीज़ हो सकती है देन म्यूज़िक या फिर एंटरटेनमेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन क्राइम एंड ट्रांसपोर्टेशन कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है क्राइम भी कोई भी हो सकता है चेंज का जो मैंने बताया चाहे वो लाइफ में चेंज आ रहा है या फिर हमें कोई चेंज लेके आना चाहिए बाकी जो रिमेनिंग कैटेगरीज हैं प्लीज़ उनको भी प्रपेयर करके जाना वैसे मैं ट्राई करूँगी अगर कल आपके लिए एक लिसनिंग अपलोड कर दूँ ताकि आप अपने एग्जाम से पहले उसको सॉल्व कर लो जब भी आपने लिसनिंग करनी होती है तो उसकी स्पीड फास्ट कर लिया करो क्योंकि वहाँ पे फिर स्पीड फास्ट होती है तो फिर आपको दिक्कत आती है तो आपने क्या करना है जब भी आप यहाँ पर लिसनिंग करते हो तो उसकी जो स्पीड है थोड़ी सी बढ़ा लिया करो ताकि आपको वहाँ पर जाके अनकम्फर्टेबल फ़ील ना हो Thank you for watching this video. If you want more videos on IELTS, make sure to subscribe and stay tuned.